हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद शिप्रा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी दो प्याज़ा बनाने की रेसिपी। सिंपल भिंडी की सब्जी तो सभी ने खाई होगी, बट आज मैं यहाँ पर इसको एक अलग तरीके से बना रही हूँ। हम इसमें दो तरह से प्याज का यूज़ करेंगे, तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी। भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए पहले हम भिंडी को फ्राई करेंगे। भिंडी को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें ये भिंडी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम भिंडी ली है और इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर कपड़े से पोंछ लिया था। उसके बाद मैंने इनको 1 इंच के टुकड़ों में कट कर लिया है। भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए हमें भिंडी को थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही कट करना है। अब हम इनको तेल में डाल देंगे और इनको हमें मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है और हमें इसको कवर नहीं करना है, खुले में ही फ्राई करना है। हमें भिंडी को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। हमारी भिंडी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई है, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी भिंडी फ्राई हो गई है, अब हम इसी कढ़ाई में प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ये एक बड़े साइज का प्याज लिया है और इसको मैंने इस तरह से डाइस में कट कर लिया है। प्याज को भी हमें हल्का सा ही फ्राई करना है, हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि प्याज का कच्चापन निकल जाए और प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। हमारा प्याज भी फ्राई हो गया है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने भिंडी और प्याज को फ्राई कर लिया है, अब हम भिंडी का मसाला बना लेते हैं। मैं यहाँ पर कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें 2 साबुत लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें ये एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर ये एक मीडियम साइज का प्याज लिया है और उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसको हमें मीडियम फ्लेम पर भूनना है। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश जिंजर गार्लिक भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसको हमें तब तक भूनना है जब तक कि अदरक और लहसुन का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता है। हमारा प्याज अच्छी तरह से भुन गया है, अब हम इसमें ये टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर ये 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और उनको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। इसके साथ में ही मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सारा नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक मैं बाद में ऐड करूँगी। और अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और इसको हमें मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक कि मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता है। अब मैं इसमें यहाँ पर 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ। हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस इतना करना है कि जिससे हमारे मसाले की कोटिंग भिंडी पर अच्छी तरह से आ जाए। हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मसाले से तेल भी अलग होने लगा है। अब हम इसमें फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर देंगे। इसके साथ में ही मैं यहाँ पर फ्राई किए हुए प्याज भी ऐड कर रही हूँ। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
हमने भिंडी और प्याज को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक और ऐड करूंगी। नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि हम इसमें नमक पहले भी ऐड कर चुके हैं। और अब हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही 5 से 6 मिनट तक पकाना है, जब तक कि हमारी भिंडी पूरी तरह से नहीं पक जाती है। और एक बात का आप ध्यान रखें कि हमें इसको कवर करके नहीं पकाना है, क्योंकि हमें थोड़ी खिली खिली भिंडी चाहिए। अगर हम इसको कवर करके पकाएंगे तो हमारी भिंडी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और वो फिर देखने में अच्छी नहीं लगेगी। अब इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम भिंडी को पहले ही फ्राई कर चुके हैं, और बीच बीच में भिंडी को थोड़ा सा चलाते रहें। भिंडी अच्छी तरह से पक गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैं इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे भिंडी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून सौंफ का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी भिंडी एकदम खिली खिली बनी है। हमारी भिंडी बनकर तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देती हूँ। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। हम भिंडी को सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडी दो प्याजा बनकर तैयार है। आप इसको रोटी पूरी या पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।